राम राम मेरे सारे भाइयों ने। तो जी भैया आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ मैं TVS की एंटॉर्क XT एडिशन 125cc की, जो कि भाई अपनी 2023 में अपनी लॉन्च हुई थी। इसके अंदर क्या फीचर्स, क्या प्राइसिंग, क्या अपनी इसमें ऐड ऑन हुए हैं, ये सारी चीज़ें वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। बाकी की अपनी क्या पड़ रही है, अपनी एक्सोरूम क्या पड़ रही है, अपनी ऑन रोड क्या पड़ रही है, सब कुछ अपनी बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। फटाफट वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बात फ्रेंड से स्टार्ट करें तो भाई यहाँ मिल रहा आपको ब्लैक ग्लॉसी कलर का विंड वाइजर, यहाँ पे आपको स्मार्ट स्मार्ट की बैजिंग मिल रही है। नीचे मिल रहा आपको तिरंगा के बैजिंग, और साइड में मिल रहा, यहाँ मिल रहा है आपको TVS इंटेलिको की बैजिंग अपनी नोज के ऊपर। यहाँ मिल रहा है आपको TVS क्रोम के अंदर। नीचे मिल रहा आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, और साइड की बात कर ग्राफिक्स की तो भाई नियॉन और ग्रे शेड में अपनी दी हुई है, और यहाँ इंटरक लिखा हुआ है आपने। और बात नीचे हेडलैम्प्स की तो अपने DRS अपनी हाई बीम लो बीम दोनों दी हुई है। नीचे मिल रहा आपको मडगार्ड अपना ग्लॉसी ब्लैक बीच में स्ट्रिप दे रखी है, साइड में अपने को ये नियॉन कलर में दे रखा है, जैसे आपकी स्पोर्टी लुक अपना रिप्रेजेंट इसका हो रखा है, प्रेजेंट हो रहा है अपना। और भाई बात करें इसके हम सस्पेंशन की तो भाई अपने टेलेस को सस्पेंशन मिलना आप सभी को। उसके साइड मिल रहा आपको डिस्प्ले अपनी, जिसकी लुक से काफ़ी स्पोर्टी लुक अपनी ये गाड़ी फिर स्कूटी पूरी हो रखी है। बात करें टायर साइज की भाई 190/12 का पूरा इंच का इसका पूरा व्हील मिल जाता है आप सभी को उसका। और भाई आप दिखाता हूँ आप सभी को उसका साइड का लुक। तो भाई यहाँ पर आपको मिल रही है पूरी ग्राफिक्स, ठीक है, जो कि अपने इसमें बात करूँ पर कलर की तो भाई ये पर्पल मैट और न्यून कलर में को दे रखा है। यहाँ दे रखी इसकी 125 की बैजिंग ग्राफिक्स अपनी, और ये एंटॉर्क XT का दे रखा है अपना लोगो पूरा यहाँ पे आपको। और भाई जो इसमें नियॉन कलर दे रखा है, नियॉन कलर से पूरी अपनी स्कूटी ब्लैक अपनी मतलब स्पोर्ट लुक पूरा दिख रहा है अपना। यहाँ मिल रहा है अपने कुछ 20 लीटर का अराउंड गैप मिल जाता है आप सभी को। और ये है इसका भाई जो उसका मीटर न्यूली वाला भाई, ये पूरा पहली बात तो ये अपना है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला। इसके अंदर मिले दो मोड आप सभी को, जैसे लिखा हुआ है हाईलाइटर लिखा हुआ है यहाँ सभी को आप सभी को, ठीक है। इससे मोड चुनेंगे अपने, जैसे कि ये स्पोर्ट मोड लग गया, ये आपको लो फ्यूल दिखा रहा है आपको, यहाँ आपको बैटरी कितनी चार्ज वगैरह दिखा रही है, या आपको लास्ट लैप जो गाड़ी जहाँ खड़ी करी थी आपने, या आपका बेस्ट लैप, या आपका स्पोर्ट अपना लग गया। इसके अंदर दो मोड मिल जाते हैं आपको, स्ट्रीट मोड स्टॉप स्पोर्ट दोनों मिल जाते हैं आप सभी को, ठीक है। यहाँ मिल रहा है आपको अपने किलोमीटर्स वगैरह बताएगा, यहाँ फ्यूल का लो मीटर बता रहा है यहाँ पे, टाइमिंग वगैरह सब बताएगा आप सभी को अपना, बाकी एवरेज वगैरह सब दिखाएगा इसके अंदर। पावर इको मोड अपने दोनों मिल जाते हैं आप सभी को अंदर। यहाँ मिल रहा हाई बीम लो बीम दोनों से होगा, इसके इंडिकेटर्स, ये अपना इसका स्विच, और अपना ये अपने हजार्ड्स का ऑप्शन। यहाँ पे आपको जो अपना वॉइस असिस्ट का और अपना सेल्फ स्विच आपको इसमें मिल जाता है। और भाई ये मिल रही आपको अपनी TVS एंटॉर्क की कुछ दो फिजिकल की आप सभी को, ओके। अब आते हैं भाई इसके हम अपने साइड प्रोफाइल के अंदर। तो पीछे से बात करें तो भाई नीचे मिल रहा है आप सभी को उसके मोनोक्रॉस के, मिल रहे हैं आप सभी को उसके शॉकर्स, ठीक है, दिख गया वहाँ पे आप सभी को, ठीक है। साइड में मिल रहा है आप सभी को फैन, जो कि अपना पूरा वो भी नियॉन रंग का पंखा का अंदर लगा हुआ है, जिससे लुक देख के काफ़ी पीछे देखने में अलग लग रही है। और यहाँ मिल रहा है क्रोम के टिप साइलेंसर के ऊपर, बाकी पूरा मैट फिनिश में दिया हुआ अपना। ये पीछे अपना टायर हैगर मिल रहा है, जिससे मड वगैरह ऊपर की तरफ ना उछले। और पीछे बात टायर साइज की तो ये भी अपने को भाई 110/80/12 का मिल रहा है पूरा आपको। व्हील मिल रहा है 12 इंच का पूरा अलॉय व्हील मिल रहा है आप सभी को, जो कि भाई अलॉय व्हील काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। पीछे मिल रहा है आपको LEDs की पूरी टेल लैंप्स, ठीक है, ये देखो। और भाई पीछे अपने ये कुछ विंड्स टाइप के दिए हुए हैं, जिससे आपको थोड़ा लुक अपना और इन्हेंस हो। पीछे मैं टेंडिकेटर से मिल रहे हैं क्लियर लेंस के अंदर। नीचे मिल रहा है हेलोजन बल्ब, नीचे मिल नंबर प्लेट की प्लेसमेंट। ऊपर बात करें तो भाई 5.1 लीटर का अपना मिल रहा है आप सबको टैंक इसका, 5.8 लीटर का, मतलब मोटा मोटा 6 लीटर का आपको टैंक मिल रहा है पेट्रोल टैंक इसके। और भाई नीचे की बात करें तो भाई ये मिल रहा है शोकर्स आपको, फिल्टर बॉक्स, और अपना लेडीज जो इसमें पैर वगैरह रखते हैं, और इसका फुटरेस पीछे वाला एल्युमिनियम का मिल रहा है पूरा आप सभी को। और भाई इसके अंदर भी अपनी क्लिच, अपनी जो भी सेल्फ वो किक होती है वो अपनी इसमें हटा दी गई है भाई, बिल्कुल अपनी जैसे एक्टिव है स्मार्ट से हटा दी गई है अपनी, इसे भी हटा दी गई है अपनी, ठीक है। ये अपनी कुछ पूरी भाई स्कूटी भाई। और अब हम बात करने वाले हैं इसके इंजन के बारे में। तो भाई 125cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन मिल जाता है। बात करें मैक्स पावर की तो भाई 9.38 PS की पावर प्रोड्यूस कर रहा है। बात करें इसके मैक्स टॉर्क की तो 10.5 NM का मोटा मोटा टॉर्क अपने प्रोड्यूस कर रही है। और बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो भाई 155 mm का मिल रहा है आप सभी को इसमें ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है। ये थी अपनी पूरी स्कूटी साइड प्रोफाइल से आगे बढ़ते हैं। और बात करें इसके कर्व वेट की तो भाई 110 kg की पूरी अपनी स्कूटी है। और बात करें इसके एवरेज की तो भाई आराम से मोटा मोटा 54 के जरिए अपनी एवरेज ये भैया अपना HD TVS अपना। और बात करें इसके अपने एक्स शोरूम की, ये पड़ रही है 1,04,600 की पड़ रही है अपनी एक्स शोरूम। और बात करें तो भाई ये अपने को 1,23,650 रुपये की पड़ रही है अपने को अपनी ऑन रोड। तो वीडियो करते हैं टाटा, बाय बाय अपनी एंड, फटाफट से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।